जय माता दी। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, उसके लिए फास्ट होता है सबका। सबने कुछ ना कुछ तो खाना है, मीठा खाकर सबका जी उब जाता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आलू के परौंठे, जो कि बहुत ही लाजवाब बनते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और कम तेल में बनते हैं। पूरी भी बन जाती है इसकी। हमने परौंठा बनाया है, जो कि दही के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आलू की सब्जी के साथ भी हम ये खा सकते हैं। और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। नवरात्रों के व्रत के लिए परौंठा बनाने के लिए हमने एक आलू ले लिया है, वो धोकर काट लिया है। एक हरी मिर्च ले ली है, इसको हम ग्राइंड, आलू हमने ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम आटा बनाएंगे परौंठे के लिए। मैंने थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया है व्रत में, और थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसको हम आटा डालकर डोल गएंगे। देखिए हमारा आटा है जो बनकर तैयार हो गया है। हमने पानी पुनी कुछ नहीं डाला। कम घी लगता है इसमें। अगर पूरी बनाओ तो हमें डीप फ्राई करनी पड़ती है। हमारा परौंठा है जो बनकर तकरीबन तैयार हो गया है। जो परौंठा है हमारा बनके तैयार हो गया है। देखिए हमारा परौंठा है जो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।